नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहित तिवारी और आज हम लोग यहाँ पे नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे टॉपिक लिखा हुआ है कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ लिविंग बीइंग्स, सजीवों के लक्षण। टोटल हमने यहाँ पे 5 कैरेक्टर लिए हैं जो हमारे एग्जाम ओरिएंटेड है, मीन्स जहाँ से हमारे एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं। पहला टॉपिक है रेस्पिरेशन या श्वसन, दूसरा टॉपिक है न्यूट्रिशन या पोषण, तीसरा टॉपिक है रिप्रोडक्शन प्रजनन, चौथा टॉपिक है मेटाबॉलिज्म उपापचय और पांचवा टॉपिक है हमारा एडॉप्टेशन या अनुकूलन। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि आखिर क्या डिफरेंस होता है लिविंग बींग्स में और नॉन लिविंग बींग्स में, और इन टॉपिक के ऊपर यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे हम अगर एक टॉपिक लेते हैं कि जितने भी सजीव होते हैं, जितने भी लिविंग बींग्स होते हैं, सारे मोटाइल होते हैं। तो हमारे प्लांट्स भी लिविंग बींग्स हैं, यानी हमारे पेड़ पौधे भी सजीव होते हैं, लेकिन पेड़ पौधे नहीं चल पाते। ठीक है, दूसरी तरफ हमारे अगर हम फैन की बात कर लें, फैन हमारा नॉन मोटाइल नहीं होता, यानी उसमें मूवमेंट होती है, चलता है, लेकिन इसके बावजूद भी अगर आप देखो तो फैन हमारा नॉन लिविंग होता है। तो ऐसे कुछ करेक्टर्स हम लेंगे यहाँ पे जहां से हमारे एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और उन क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, आप देखेंगे कैसे उसको बनाते हैं एग्जाम्स में। ठीक है, तो हम करते क्या है यहाँ पे एक एक करके सारे करेक्टर्स को आगे कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहला करेक्टर जो हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे दैट इज रेस्पिरेशन या श्वसन। तो सबसे पहले करेक्टर हम लोग क्या पढ़ते हैं यहाँ पे, श्वसन क्या होता है, रेस्पिरेशन क्या होता है। ओके, तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहला करेक्टर भी डालते हैं रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन या फिर श्वसन। और रेस्पिरेशन या श्वसन क्या होता है, रेस्पिरेशन या श्वसन क्या होता है, थोड़ा एक क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि ये ऐसा क्वेश्चन है जहां पे ऑलमोस्ट बच्चों ने, जब मैं क्लासेस में देखता हूँ पूछता हूँ, तो ये ऐसा टॉपिक होता है जहां पे ऑलमोस्ट पार्ट में क्या होता है, कंफ्यूजन होता है क्वेश्चन से पूछता हूँ बच्चों से। तो एक बार हम ट्राई करते हैं यहाँ पे, आप अपने आप को एनालाइज करना कि आपको कितना इसमें पता है। देखिए होता क्या है, हम सबको पता है कि एक तो एनिमल होते हैं, यानी एक हमारा जंतु होता है, जानवर होता है, और दूसरा जो होता है वो हमारे प्लांट्स होते हैं, हमारे पौधे होते हैं, पादप होते हैं। अब हम सबको पता है कि हम श्वसन लेते हैं तो कुछ गैसेस इनहेल करते हैं, यानी अंदर जाती हैं, एट द सेम टाइम कुछ गैसेस लिबरेट करते हैं, छोड़ते हैं। तो आपसे जो क्वेश्चंस है वो क्वेश्चन ये है, आप अपने आप को एनालाइज करना कि जितने भी एनिमल्स होते हैं वो सारे के सारे एनिमल्स सांस के समय, रेस्पिरेशन के समय, श्वसन के समय कौन सी गैस इनहेल करते हैं। तो हम लोग कौन सी गैस इनहेल करते हैं, याद रखना ऑलमोस्ट सारी गैसेस होती है, बट हम जो मेन कंपोजिशन देखते हैं वो ऑक्सीजन का होता है यहाँ पे। तो ये क्या होगा, ऑक्सीजन होगा। सिमिलरली जब हम लिबरेट करते हैं, यानी सांस बाहर छोड़ते हैं, तो उसमें भी कुछ अमाउंट ऑक्सीजन का होता है, लेकिन मेन कंपोजिशन CO2 का होता है। तो जब हम सांस लेते हैं, यानी कोई भी एनिमल, कोई भी जंतु जब सांस लेगा तो ऑक्सीजन अंदर लेगा और CO2 बाहर छोड़ेगा। लेकिन जब हम प्लांट्स पे आते हैं तो आज तक मुझे मैक्सिमम क्वेश्चंस के इसके आंसर जो मिले हैं, सारे के सारे बच्चे बोलते हैं कि जितने भी प्लांट्स होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेते हैं और ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं। याद रखना डियर, ये जो आंसर दिया जा रहा है ये कंप्लीटली गलत है। ठीक है, कोई भी प्लांट अगर वो CO2 बाहर निकालता है, CO2 अंदर लेता है और ऑक्सीजन बाहर निकालता है, तो ये रेस्पिरेशन नहीं होगा, ये जो प्रोसेस होगा इसको हम बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण। क्या बोलेंगे इसको, प्रकाश संश्लेषण, फोटो सिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस। चाहे कोई एनिमल हो या ही कोई प्लांट हो, सारे के सारे प्लांट भी ऑक्सीजन ही अंदर लेंगे रेस्पिरेशन में और CO2 ही यानी कार्बन डाइऑक्साइड ही बाहर निकालेंगे। एक एग्जांपल से समझते हैं, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। देखो हम सबको पता है एक कैपिटल जी होता है और एक स्मॉल जी होता है। कैपिटल जी को हम बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। और आपको पता है कि कैपिटल जी की वैल्यू, आप कहीं भी चले जाओ, पृथ्वी पे हो, चंद्रमा पे हो, बुध पे हो, मंगल पे हो या सूर्य पे ही चले जाओ, इसकी जो वैल्यू है पूरे यूनिवर्स में एक जैसी होती है, कभी नहीं चेंज होती है। लेकिन स्मॉल जी की वैल्यू, हमसे क्वेश्चंस भी आता है
कि क्या होगा अगर हम इक्वेटर से पोल की तरफ जाएं, क्या होगा अगर हम पृथ्वी के केंद्र में चले जाएं, सेंटर ऑफ द अर्थ पे चले जाएं, तो हमको पता है कि इसकी वैल्यू एल्टीट्यूड के अकॉर्डिंग, ऊंचाई के अकॉर्डिंग घटती बढ़ती रहती है। सिमिलरली हमारा जो रेस्पिरेशन या श्वसन होता है ये कैपिटल जी होता है, मतलब जो रेस्पिरेशन होगा वो चाहे एनिमल्स में हो या फिर प्लांट्स में हो, ठीक है, यहां पे कुछ एक्सेप्शंस को छोड़ दिया जाए तो यहां पे हमेशा ऑक्सीजन ही अंदर लिया जाएगा और CO2 ही बाहर छोड़ा जाएगा। उसका रीजन क्या होता है मैं आपको बताता हूं। जो ऑक्सीजन होता है ये एक ऑक्सीडेशनल गैस होती है, यानी जब हम ऑक्सीजन लेते हैं तो ऑक्सीजन ऐसा गैस होता है जो जलने में सहायक होता है। यहां पे जैसे हम एग्जांपल लेते हैं प्लांट्स का, तो प्लांट में आपने बताया था कि CO2 लेते हैं, ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं, मैंने कहा नहीं, ये रेस्पिरेशन नहीं, फोटोसिंथेसिस है। यहां पे कोई भी प्लांट जब कार्बन डाइऑक्साइड लेता है अपने रूट से, वाटर और मिनरल कैसे एब्जॉर्ब करता है कल हमने बताया था, तो उसके पास में, उस पर्टिकुलर प्लांट्स के पास में उस पर सूर्य की किरण जैसे पड़ेगी, सनलाइट जैसे उसके ऊपर पड़ेगी, और उसके पास एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं क्लोरोफिल या फिर पर्णहरिम, इन दोनों के प्रेजेंस में वो इसको कन्वर्ट कर देगा C6H12O6 और यहां से ऑक्सीजन गैस निकलेगी। लेकिन यहां पे आप देखो जो खाना बन रहा है इसका, ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो रहा है, ये प्रोसेस क्या कहलाएगा, प्रकाश संश्लेषण। अब इस ग्लूकोज को जलाने के लिए ही रेस्पिरेशन टर्म आता है, ठीक है। ये जो ग्लूकोज बना हुआ है यहां पे, इस ग्लूकोज को हम जलाते हैं तो आप देखोगे C6H12O6, यानी हमारा यहां पे क्या था, ये ग्लूकोज था, और इसके साथ में जैसे ही ऑक्सीजन एसोसिएट होगा ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा और कन्वर्ट हो जाएगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड में, जो कि हम सबको पता है कि सांस लेने में हम छोड़ते हैं। इसके सिवा वाटर वेपर निकलता है यहां से और साथ ही साथ हमको यहां पे एनर्जी भी मिलती है, ठीक है। तो यही एनर्जी हम लोग अपने मेटाबॉलिक एक्टिविटी के लिए यूज कर लेते हैं। अभी ठंडी आ गई है तो आप पता होगा, आप सो के उठते हो तो देखते हो आपके मुंह से धुआं निकलता है, वो धुआं नहीं होता, बेसिकली वाटर वेपर ही होता है। एक क्वेश्चन आया है हम लोगों से, पूछा गया है कि क्या वजह है कि पेड़ के नीचे, प्लांट के नीचे रात को नहीं सोना चाहिए, तो हम लोग देख लेते हैं। देखो रात में, अगर दिन की बात करें तो दिन में कोई भी पौधा जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को लेके, सूर्य की किरण उसको मिलती रहती है और क्लोरोफिल के वजह से इसको कन्वर्ट कर देगा ग्लूकोज में, और ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगा, साथ में यहां पे ऑक्सीजन भी निकलेगा, लेकिन कब, जब तक कि इसको सूर्य की किरण मिलती रहे। अगर इसको सूर्य की किरण मिलना बंद हो जाए तो क्या होगा, ये प्रोसेस बंद हो जाएगा। इस प्रोसेस से पौधे अपने लिए खाना बनाए, जैसे आपके घर में खाना बन गया, लेकिन आपको ऊर्जा एनर्जी तभी मिलेगी जब आप इस खाने को खाओगे, इसका ऑक्सीडेशन होगा। सिमिलरली पौधे ये जो ग्लूकोज बना है इसका ऑक्सीडेशन करते हैं और इसके लिए उनको भी ऑक्सीजन की जरूरत होती है, तो इस ऑक्सीजन को वो क्या करते हैं, यूज करके यहां से कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं, H2O निकालते हैं और एनर्जी निकालते हैं। अब दिन में तो सूर्य की किरण होती है और जब तक सूर्य की किरण होगी दिन में तब तक हम सबको पता है कि ये फोटोसिंथेसिस चलता रहेगा, ग्लूकोज बनता रहेगा, ऑक्सीजन निकलता रहेगा, इसलिए दिन में पेड़ पौधे के पास में ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी। लेकिन रात में ये सूर्य का किरण मिलना शाम के बाद बंद हो जाता है, तो ये प्रोसेस जो होता है ये बंद हो जाता है। अब पौधे में उसने जो खाना अपने लिए बना रखा था उसका केवल दहन होगा, उसका केवल ऑक्सीडेशन होगा इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो अब अगर आप पेड़ के नीचे सोते हो तो आपको भी ऑक्सीजन की जरूरत, पेड़ पौधों को भी ऑक्सीजन की जरूरत, और किरण तो मिल रही है रात में सूर्य की, इसलिए ये प्रोसेस जो है ऑक्सीजन बनाने वाला है बंद हो जाएगा। तो होगा क्या, ऑक्सीजन की डिफिशियंसी हो सकती है, ऑक्सीजन की कमी हो सकती है, इसीलिए वहां पे सफोकेशन होने लगेगा, आपका दम घुटने लगेगा। तो बोला जाता है कि शाम के टाइम पेड़ पौधों के नीचे नहीं सोना चाहिए, यानी सूरज ढलने के बाद में पेड़ पौधों के नीचे सोने से मना करते हैं। तो ये बेसिक क्वेश्चन सर, बेसिक क्वेश्चन आपको मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं। क्वेश्चन क्या पूछेगा, जंतु जो होते हैं वो श्वसन के समय कौन सा गैस अंदर लेते हैं, तो ऑक्सीजन, कौन सी गैस बाहर निकालते हैं, तो
CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। प्लांट्स प्लांट्स में बच्चे ज्यादातर फोटोसिंथेसिस वाला ही लिख देते हैं, CO2 लेते हैं ऑक्सीजन निकालते हैं, जबकि ये गलत है। सारे के सारे प्लांट्स भी जब रेस्पिरेशन करेंगे श्वसन करेंगे तो ऑक्सीजन ही अंदर लेंगे और CO2 बाहर निकालेंगे। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है हमने बताया, और कैसे इस पे जो ग्लूकोज यहाँ पे बना है इसको आगे यूटिलाइज करके एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। अब हम देख लेते हैं जहां से हमसे मेन क्वेश्चन पूछा जाता है कि श्वसन क्या होता है और एनएरोबिक एरोबिक रेस्पिरेशन क्या है और इससे क्वेश्चन कैसे अराइज होते हैं। ठीक है, तो हम लोग करते क्या है, यहाँ पे सबसे पहले हेडिंग हम लोग डाल लेते हैं यहाँ पे रेस्पिरेशन को कितने पार्ट में हम फर्दर आगे कैटेगराइज कर सकते हैं। तो रेस्पिरेशन यानी श्वसन को हमने दो भाग में विभाजित किया। हिंदी में अगर लिखेंगे तो आप देखना हिंदी में आपको अर्थ थोड़ा इजिली समझ में आ जाएगा इसका जो मतलब होता है। एक तो होता है आपका आक्सी श्वसन, आक्सी श्वसन, और इसको बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन। और दूसरा हमारा होता है अनाक्सी श्वसन, अनाक्सी श्वसन, और इसको बोलते हैं एनएरोबिक, एनएरोबिक रेस्पिरेशन या अनाक्सी श्वसन। अब देख लेना आपसे पहला क्वेश्चन यहां पे अराइज होता है कि ऑक्सी श्वसन में क्या होता है। तो ऑक्सी श्वसन ऐसा श्वसन होता है जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। कहां पे होगा, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा, टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी ये ऐसा श्वसन होता है जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। ठीक है, अगर इसके हम उदाहरण लें तो हमारे जितने भी हायर प्लांट्स होते हैं और जितने भी हायर प्लांट्स हैं हमारे और एनिमल हैं, ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, इसके उदाहरण हो जाएंगे, इसके एग्जांपल हो जाएंगे। यहां पे होता क्या है कि जो भी फूड स्टेप आपके बॉडी में था, फॉर एग्जांपल ग्लूकोज C6H12O6, तो ये जो हमारा ग्लूकोज था, आपको पता है हम जो भी खाते हैं जिसके लिए अल्टीमेटली हमको एनर्जी किससे मिलेगी, ग्लूकोज के फॉर्म में ही। तो ये जो ग्लूकोज होता है, जैसे आप सांस लेते हो ऑक्सीजन आएगा और ऑक्सीजन इसको जला देगा, इसको ऑक्सीडाइज कर देगा, और ये जो है ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका CO2 में, H2O में और एनर्जी में। और ये जो एनर्जी मिली है यही हम लोग यूज करते हैं, ये जो ऊर्जा मिली है इसी ऊर्जा को हम लोग क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। तो जहां पे इस तरीके से रेस्पिरेशन होगा यानी ऑक्सीजन उपस्थित होगा और खाने को ऑक्सीडाइज कर देगा, जला देगा और इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, ऊर्जा मिल जाएगा, इसको कहेंगे ऑक्सी श्वसन या एरोबिक रेस्पिरेशन। ये हमेशा आपके जो उच्च वर्ग के एनिमल और प्लांट्स होते हैं वहां पे होते हैं, जैसे बैक्टीरिया इस सबको छोड़ दिया जाए, दो चार जो PPL वगैरह, तो उनको छोड़ के बाकी जितने हैं सब में यही होता है। दूसरा हम देखते हैं अनाक्सी श्वसन, एनएरोबिक रेस्पिरेशन, याद रखना। अब अगर आप इसको पढ़ोगे तो इसको बहुत जगह फर्मेंटेशन भी बोला गया है, फर्मेंटेशन को भी दो पार्ट में इन्होंने डिवाइड किया, एक लैक्टिक फर्मेंटेशन, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, और दूसरा एल्कोहलिक फर्मेंटेशन। ठीक है, अगर हम आपको ऐसा पढ़ाएंगे तो हो सकता है आप क्लासेस छोड़ के चले जाओ, मैं आपको एकदम इजी वे में समझाता हूं कैसे क्या होता है। एनएरोबिक रेस्पिरेशन ऐसा रेस्पिरेशन होता है अनाक्सी, मतलब ऐसा रेस्पिरेशन होगा जहां पे ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होती है, अनुपस्थिति मतलब ऑक्सीजन वहां पे उपस्थित नहीं होगा। तो ऑक्सीजन अगर उपस्थित नहीं होगा, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, तो अगर यहां पे ऑक्सीजन उपस्थित नहीं होगा तो क्या होगा, इस तरीके से जो हमारा ग्लूकोज था वो पूरा का पूरा इस तरीके से एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। बीच में क्या होता है, कुछ प्रोसेस लैक हो जाते हैं। ठीक है, इतना डिटेल हमको यहां पे नहीं जाना है। आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, क्वेश्चन पूछेगा अनाक्सी श्वसन क्या होता है। तो ऐसा श्वसन जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, यानी जहां पे ऑक्सीजन उपस्थित नहीं होता है, उसको बोलेंगे अनाक्सी श्वसन या एनएरोबिक रेस्पिरेशन। अगर हम इसके उदाहरण देखें तो हमारे जो भी बैक्टीरिया होते हैं, सारे के सारे बैक्टीरिया इसके उदाहरण हो जाएंगे। ठीक है, इसके सिवा हमारे ईस्ट होते हैं, PPLO या माइकोप्लाज्मा, यानी हमारे जो भी प्रोकैरियोट्स होते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी, इसको हिंदी में बोलते हैं नील हरित शैवाल, ये सारे जो भी हैं
इसके क्या होते हैं, एग्जांपल्स होते हैं। अब यहां पे क्या होगा, यहां पे ऑक्सीजन उपस्थित नहीं होगा। अब आपको क्वेश्चन है, आप बताओ एनिमल में कौन सा रेस्पिरेशन होगा। अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए कि ह्यूमन बीइंग्स में इसमें से कौन सा रेस्पिरेशन होता है, तो ऑब्वियस सी बात है हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, तो ऑक्सीश्वसन होगा, ठीक है, अनऑक्सीश्वसन नहीं होगा। याद रखना ये नॉर्मल कंडीशन है, स्पेशल केस में हम लोगों के शरीर में भी अनऑक्सीश्वसन या एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है। कैसे होता है मैं आपको एग्जांपल्स देता हूं। देखो जब भी, जैसे अभी यूपी पुलिस की तैयारी चल रही है, बहुत सारे लोग जाते हैं दौड़ने के लिए, या जब हम लोग जिम जाना स्टार्ट करते हैं तो क्या होता है, जिम में शुरू में जाएंगे पहले दिन बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट होता है, जिसके साथ जाओगे इवन आप उसको बोलोगे तुम उठा नहीं पाते, देखो मैं 15 किलो का डंबल उठाता हूं, ये है ना, दो दिन में ही आपकी कंडीशन ये हो जाएगी कि आप नहीं जा सकोगे, बेड ही नहीं छोड़ पाओगे, और वही फ्रेंड जिसको आप चैलेंज कर रहे थे वही आपको आएगा, गाली देके बेड से उठा लेके जाएगा, और एक हफ्ते में फिर आप नॉर्मल हो जाते हो। या फिर आप जिस दिन एवरेज से ज्यादा काम कर लेते हो, आप देखो बहुत ज्यादा थका लग जाता है आपको। क्वेश्चन क्या पूछता है हमसे यहाँ पे, एसएससी या जो बोर्ड के एग्जाम्स होते हैं वहां पे क्वेश्चन आता है कि हम लोगों में यानी आदमी में जंतुओं में थकान का कारण क्या होता है। होता क्या है, हमारा जो शरीर है यहां पे, जैसे आप सो अभी नॉर्मल बैठे हो और मैं यहां पे बोल रहा हूं, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपके तुलना में मुझे यहां पे ज्यादा एनर्जी चाहिए, ज्यादा ऊर्जा चाहिए। सडनली कोई ऐसा है जो अभी दौड़ रहा हो तो उसको हमसे भी ज्यादा ऊर्जा चाहिए। जब भी कोई दौड़ेगा तो उसको ज्यादा एनर्जी चाहिए होगा, ज्यादा मेहनत करेगा ज्यादा एनर्जी चाहिए, ज्यादा एनर्जी के लिए उसको ज्यादा ग्लूकोज चाहिए, जलाने के लिए ज्यादा ऑक्सीजन की भी जरूरत होगी। यानी इस ग्लूकोज को अगर जलाने के लिए प्रॉपर ऑक्सीजन इसको मिल गया तब तो ये इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा CO2H2O और एनर्जी में। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है, अब देखो भी जब हम लोग दौड़ते हैं तो इसी ऑक्सीजन को पूरा करने के लिए क्या करते हैं, हांफने लगते हैं, मुंह से सांस लेने लगते हैं जोर जोर से। लेकिन अगर ऑक्सीजन की कमी फिर भी बनी रहे, यानी शरीर में इसको जलाने के लिए जितना ऑक्सीजन चाहिए था उतना ऑक्सीजन ना मिल पाए, तो होगा क्या, ये जो हमारा ग्लूकोज था यानी C6H12O6 था, यही हमारा कन्वर्ट हो जाता है लैक्टिक एसिड में, लैक्टिक अम्ल में या लैक्टिक एसिड में, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, लैक्टिक एसिड में या लैक्टिक अम्ल में। और ये जो हमारा लैक्टिक एसिड या लैक्टिक अम्ल है ये क्या होता है, यही हमारे मांसपेशियों में जाके, हमारे मांसपेशियों में ये जाके क्या होता है, स्टोर हो जाता है, और इसके वजह से ही हमको थकान फील होती है। यानी ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ लैक्टिक एसिड वी फील टायर्ड, हमारे मांसपेशियों में लैक्टिक एसिड के स्टोरेज की वजह से हमको क्या होगा, थकान फील होगी। तो क्वेश्चंस क्या आता है कि ह्यूमन बीइंग्स में यानी मनुष्यों में थकान की क्या वजह होती है, एसएससी में क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, और आंसर क्या होगा, हमारे शरीर में लैक्टिक एसिड के डिपोजिशन के कारण हमको थकान फील होती है। आप चाहो तो लिख लो क्या होगा इसकी वजह से, इसका रिजल्ट क्या होगा, हमको थकान फील होगा, और इसी को बोलते हैं लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। हमने क्या किया, इसको एनएरोबिक पार्ट में ही कवर कर लिया। अब हम इसका दूसरा पार्ट जो है फर्मेंटेशन वाला, यानी जो हमारा एल्कोहलिक फर्मेंटेशन है, उसको हम देख लेते हैं। ओके,